दोस्तों, आज का जो सस्पेंस है वो बहुत इंटरेस्टिंग और थॉटफुल होने वाला है। आज हम हमारे प्रीवियस लेक्चर के थॉट दैट इज एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग फैक्ट बट ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक गिवन बाय माय फेवरेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन। आज हम इसी थॉट को क्लैरिफाई करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे और आज हम ये भी जानेंगे कि रियल एजुकेशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का थॉट वाला सस्पेंस। So, the educational thought is, education is not the learning fact, but training of mind to think. आज हम इसी thought को deeply समझेंगे और clarify करेंगे। या अगर हम देखें तो उस समय या उस era में computers या internet उतने penetrate या famous नहीं हुए थे और Albert Einstein ने पहले future को देख लिया था, इसलिए उन्होंने ये thought दिया। उन्होंने बोला फैक्ट्स को लर्न करना एजुकेशन नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली, मतलब चलो हम इसको डीपली क्लैरिफाई करते हैं। यार आज की डेट में फैक्ट्स मिलना या फैक्ट्स को लर्न करना तो बहुत सिंपल हो गया, बहुत इजी हो गया है। अ क्लिक ऑफ टच करो, आपको सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे, सिंपली मिल जाएंगे। मतलब जाओ गूगल पे, टाइप करो ये फैक्ट करना पता करना है, वो फैक्ट पता करना, आपको सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे। तो क्या यही है रियल एजुकेशन, कि बस हमें फैक्ट्स को हमारे ब्रेन में फीड करना है और बस? बताओ। चलो मान लो हमने किसी सोर्स से फैक्ट्स को ब्रेन में फीड भी कर लिया और हम उन्हीं फैक्ट्स को ब्रेन से रिट्रीव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? हम अपने ब्रेन से क्वेश्चन पूछेंगे और वो हमें जितने भी हमने फैक्ट्स पढ़े थे वो हमें दे देगा, उसके आंसर्स बता देगा। तो ये सब करने की क्या जरूरत है जब हमारे पास इंटरनेट है, गूगल है, जाओ गूगल पे टाइप करो ये फैक्ट बताओ वो फैक्ट बताओ, मतलब गूगल से क्वेश्चन पूछो वो आपको उसका आंसर दे देगा। तो फिर हम इन सब फैक्ट्स को पढ़ ही क्यों रहे, इन्हें याद क्यों कर रहे हैं? क्या ये रियल एजुकेशन नहीं? ये रियल एजुकेशन नहीं। तो क्या है रियल एजुकेशन जो हम नेक्स्ट फेज में पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट फेज के सेंटेंस में हम पढ़ने वाले हैं, वो है रियल एजुकेशन, दैट इज बट ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। अपने ब्रेन को इतना ट्रेन करो कि वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तत्पर बैठा हो, वो है रियल एजुकेशन। चलो इसको और अच्छे से समझते हैं। यार मेरे हिसाब से और आप सबके हिसाब से अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो हम क्या करते हैं? उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, थिंक करते हैं, अध्ययन करते हैं, तभी तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। बताओ सही बोल रहा हूं? गूगल से, फैक्ट से, नॉलेज से हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, लेकिन अगर हम उसी नॉलेज उसी फैक्ट को यूज करें, इस्तेमाल करें, तो हम किसी भी प्रॉब्लम को इजिली सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। और यही है रियल एजुकेशन, जब वो प्रॉब्लम जो गूगल सॉल्व ना कर सके और हम कर दें अपने नॉलेज को इस्तेमाल करके, तो वो है रियल एजुकेशन। समझ गए? तो आई होप आज का थॉट वाला एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आज का सस्पेंस अच्छा लगा तो अभी लेक्चर को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सस्पेंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आएंगे। तब तक के लिए ओके, बाय।